हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो मैं हिंदी में जारी रखने की प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने। तो आज आपके सामने जो बैटरी दिख रहा है, ये ट्रॉन्टे कंपनी का बैटरी है। ये बैटरी 72 वोल्ट 29 एच का है। ये फेमस ब्रांड ओकिनामा आई प्लस प्लस का बैटरी है। तो इस बैटरी का प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर अभी इस बैटरी से ठीक ठाक माइलेज नहीं निकल पा रहा है, यानी कि इस बैटरी में प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम इस बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक ठाक माइलेज मिल रहा था। अभी इस बैटरी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि इस बैटरी से कस्टमर 25 kmph माइलेज पा रहा है। तो इस बैटरी रिपेयर के लिए मेरे पास आया है, तो इसको पहले ओपन करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि इस बैटरी रिपेयर होगा या नहीं होगा। तो आपके सामने मैं दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ कि इस बैटरी से 75.4 वोल्ट आ रहा है। तो इस बैटरी का प्रॉब्लम ये नहीं है, इस बैटरी का मेन प्रॉब्लम है माइलेज इशू है। माइलेज ठीक ठाक नहीं मिल रहा। तो पहले बैटरी को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के साथ साथ आप देख सकते हैं इस बैटरी का कनेक्टर अच्छा है, XT90 कनेक्टर है, यानी कि 90 एम्पियर का कनेक्टर लगा हुआ है। इसको देख रहा है कि इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है। बैटरी इस मोमेंट में फुल्ली नेकेड है, आप देख सकते हैं। इस बैटरी में क्या है, ये ट्रॉन्टे कंपनी का बैटरी है और ये फुल्ली NMC टाइप सेल है। इसमें 20 सीरीज, यानी कि ये हायर कट ऑफ 84 वोल्ट एंड पैरेलल में 11 सेल लगा हुआ है। इसका मतलब ये 2.6 mAh का बैटरी है और कुल मिला के इसमें 29 mAh निकल रहा है। तो इसमें 20 सीरीज है, यानी कि ये 84 वोल्ट है। तो ये स्कूटी के मुताबिक ये बैटरी छोटा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 29 इंच का बैटरी कभी 1.5 किलोवाट का मोटर चला नहीं सकता ठीक ठाक। तो इस बैटरी का प्रॉब्लम हम निकालने की प्रयास कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं, हम काउंट कर रहे हैं इसमें कितना सीरीज लगा हुआ है। अब देख सकते हैं तो इसमें 20 सीरीज है, यानी कि 84 वोल्ट NMC टाइप सेल है। एक्चुअली फंडा ये है कि ये आप देख सकते हैं इसमें 45 एम्पीयर का BMS लगा हुआ है। इसका मतलब हम तो निकल नहीं पाए, क्योंकि बैटरी है 29 इंच और BMS है 45 एम्पीयर। ये कैलकुलेशन मुझे ठीक ठाक नहीं लगा, क्योंकि बैटरी का पावर कम है और BMS का पावर ज़्यादा है। एक्चुअली कैलकुलेशन कौन से हिसाब से इंजीनियर ने किया है मुझे अभी मालूम नहीं, क्योंकि बैटरी का पावर ज़्यादा कम है और BMS का पावर ज़्यादा हाई है। तो क्या है कि इसका कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं है। तो आप देख सकते हैं बैटरी फुल्ली नेकेड है, आपके सामने मैं देखा रहा हूँ। इसका स्पॉट वेल बहुत ही अच्छा है, इसका नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका स्पॉट वेल, इसका स्लीव, इसका निकल स्टिप बहुत ही अच्छा है। तो इंडियन क्लाइमेट में NMC टाइप सेल में क्या है, 800 से ज़्यादा लाइफ साइकिल मिलना बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सेल है, इंडिया का जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई है। सो इसलिए इंडिया में NMC टाइप सेल से पावर निकालना बहुत ही फॉल्ट हो सकता है। अब देख सकते हैं हमने क्या किया, बैलेंसर से कनेक्ट किए हुए हैं और देख रहे हैं कि इसमें वोल्टेज कौन सी ड्रॉप डाउन हो रहा है खूब जल्दी से। तो अब देख सकते हैं इसमें बैलेंसर लगा हुआ है, यानी कि हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं अभी। तो डिस्चार्ज करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे कि इसका कौन सा सीरीज में वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा वेरी फास्ट ड्रॉप हो रहा है, उस सीरीज को हम पहले
निकाल देंगे। उसके बाद हम इसको चार्ज करेंगे, चार्ज से देखेंगे कि सेल का एक्स्ट्रा टेम्परेचर हाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग इफ एनी सेल टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज, कोई सेल का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो वो सेल का हेल्थ बहुत ही खराब है, वो सेल निकालना पड़ेगा। और कोई सेल कुल मिला के सभी सेल का टेम्परेचर हाई हो गया तो बैटरी रिपेयर होना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि बैलेंसर और बीएमएस एक साथ लगा हुआ है, उसके साथ इसका डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैनुअल डिवाइस से हम इसको देसी जुगाड़ बोल सकते हैं, आप लोग कर रहे हैं। तो ये चार्ज हो रहा है अभी, इसके बाद डिस्चार्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस भी हो रहा है साथ साथ, ये बीएमएस लगा हुआ है आपके सामने और बीएमएस बैलेंसर, और हम दिखाएंगे कि इसको चार्ज हो रहा है। अब इसका टेम्परेचर देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो टेम्परेचर को मेज़र करेंगे तो देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना उठ रहा है। ये टेम्परेचर सेंसर है, तो बैटरी की जो बॉडी है, बॉडी में टच करके इसका टेम्परेचर देख रहेंगे कि इसका ठीक ठाक होगा कि नहीं। तो अब हम इसको लेकर लगा रहे हैं तो देखेंगे इसका टेम्परेचर कितना है। तो आपके सामने ये दिख रहा है कि लगाने के साथ साथ भी इसका टेम्परेचर 55 आ रहा है, यानी कि ये बैटरी रिपेयर होना बहुत ही प्रेशर होगा रिपेयर करना, क्योंकि ये रिपेयर हो नहीं पाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। एंड मैं क्या बोलूँ, आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर 59 आ गया, यानी कि ये बैटरी रिपेयर होना बहुत ही चाप की बात है, यानी कि प्रेशर की बात होगा। ये बैटरी मान लीजिए रिपेयर करना फालतू है, क्योंकि तकरीबन सब सेल की टेम्परेचर हाई आ रहा है। तो आप मेरे वीडियो को मेरी वीडियो देखने से इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम